हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बायकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसमें हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स किस तरीके से अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करता है। तो चलिए स्टूडेंट, टॉपिक के ऊपर चलते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव मीन्स हमने आज के टॉपिक में केमिकल रिएक्शन पढ़नी है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, किसके साथ, अमोनिया के साथ, और अमोनिया के डेरिवेटिव की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, वो डेरिवेटिव कौन कौन से हैं जो अमोनिया से बने हैं, उनके साथ रिएक्शन होके क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। सपोज फर्स्ट देखिएगा, अमोनिया हम लिखते हैं NH3 अमोनिया। अमोनिया के डेरिवेटिव कब बनेंगे, जब इसका एक हाइड्रोजन क्या होगा, कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से एलिमिनेट होगा, तब अमोनिया के डेरिवेटिव बन जाएंगे। तो NH2 की फॉर्मेशन होगी। इस हाइड्रोजन को कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। सपोज यहाँ पे R सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो इसके अमोनिया के अगर हम इसको NH2 एंड H लिख देंगे, तो इसके इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को या इसके इस हाइड्रोजन को कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास अमोनिया के डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास सपोज अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। उसके डेरिवेटिव बनेंगे NH3 से। सपोज क्या हुआ, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इसकी इस अमोनिया से अटैक करेगा। सपोज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमने क्या कहा कि जेड है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, NH2 एंड जेड की, जिसकी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से अमोनिया रिएक्शन करता है और क्या फॉर्मेशन होती है। अमोनिया जब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमोनिया जब एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो इमीन की फॉर्मेशन होती है। और इमीन हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में पिछले लेक्चर में भी पढ़ा, तो इमीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, जब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है अमोनिया और उसके डेरिवेटिव कंपाउंड की, डेरिवेटिव कंपाउंड मीन्स वो कंपाउंड जो कि अमोनिया से ड्राइव्ड हुए, उनको अमोनिया का डेरिवेटिव हम यहाँ पे कहेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही, जब ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये एरोमेटिक कीटोन है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिएक्शन के लिए कंडीशन हमारे पास एसिडिक मीडियम होना चाहिए। ऐसा एसिडिक मीडियम होना चाहिए, हाईली एसिडिक नहीं होना चाहिए कि वो एसिडिक मीडियम 1 या 2 पे काम करे, लगभग 3 और 4 के बीच में हमारे पास एसिडिक मीडियम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो इमीन की फॉर्मेशन होती है। वो इमीन आपके पास एल्डिहाइड है, आपके पास यहाँ पर एल्डिहाइड है, तो एसिटाइल इमीन की फॉर्मेशन होगी। अगर कीटोन है तो एसिटोन इमीन की फॉर्मेशन होगी। अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजोफिनोन है, तो आपके पास बेंजल डिमीन की फॉर्मेशन होगी। इस तरीके से हम पढ़ते हैं, एक बार यहाँ पे ले चलती हूँ। तो एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमाइन किसे कहते हैं, NH2OH को, ये भी डेरिवेटिव कंपाउंड है किसका, हम यहाँ पर हाइड्रोक्सिल एमाइन की रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल एमाइन की रिएक्शन किसके साथ पढ़ेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ। ये हमारे पास हाइड्रोजन की रिएक्शन, हाइड्रोजन NH2 × NH2 होता है, हाइड्रोजन की रिएक्शन हम किसके साथ पढ़ेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ हम हाइड्रोजन की रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन की रिएक्शन पढ़ेंगे और हाइड्रोक्सिल एमाइन की रिएक्शन पढ़ेंगे और अमोनिया की रिएक्शन पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम 3 रिएक्शन को फोकस करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद अमोनिया, फर्स्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन, सेकेंड रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजीन। 3 रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, 1, 2 एंड 3। एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद अमोनिया, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन, एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजीन। अब हाइड्रोक्सिल एमाइन को हम कैसे लिखते हैं, ये क्या है हाइड्रोक्सिल, ये क्या है अमाइन। अमाइन हम पढ़ रहे हैं अमोनिया का डेरिवेटिव है, NH2 आया, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोजीन NH2 × NH2, ये हाइड्रोजीन होता है। अब देखिएगा हम इसकी रिएक्शन कैसे करवाते हैं। फर्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है,
ये क्या है CH3CHO, ये क्या है हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है। तो एल्डिहाइड है, ये कैसा एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, अमोनिया के साथ हो रही है। अब देखिएगा एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ हो रही है, मीडियम क्या है, एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो अमोनिया के साथ एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है तो किसकी फॉर्मेशन होगी, देखिए स्टूडेंट किसकी फॉर्मेशन होगी, CH3NH सेम है, सी डबल बॉन्ड ओ हट गया, ठीक है, ओ हट गया, एन एच आया, ठीक है। ओ किसके साथ चला जाएगा, ये एच टू एन ओ यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो एच टू ओ रिमूव हो गया, सी डबल बॉन्ड सेम है, एन एन एच, सी डबल बॉन्ड ओ सॉरी सी डबल बॉन्ड एन एच हमारे पास बन जाएगा। इसको हम इमीन कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम इमीन कहते हैं। कैसा इमीन, एसिटल इमीन, क्योंकि ये क्योंकि ये क्या है हमारे पास एसिटल्डिहाइड, तो इसलिए इमीन क्या बनेगा, एसिटल इमीन की फॉर्मेशन होगी। एसिटल्ड इमीन। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास कीटोन है, डाइमिथाइल कीटोन, ठीक है, डाइमिथाइल कीटोन या एसीटोन, एसीटोन लिख देते हैं, ठीक है। डाइमिथाइल कीटोन के साथ ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएगा, सेम एसिडिक मीडियम होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, कार्बन चेन बढ़ाते चले जा रहे हैं, सेम रिएक्शन होनी है, यहाँ से क्या करेगा H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या रिमूव होगा, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। CH3 सी डबल बॉन्ड एन एन एच, ठीक है। एसीटोन, ये क्या था हमारे पास, एसीटोन था, तो क्या बना, एसीटोन इमीन की फॉर्मेशन होगी, H2O रिमूव हो जाता है। थर्ड कंडीशन, ठीक है, एरोमेटिक, ये क्या है हमारे पास, फिनाइल है, ठीक है, और ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड हो, एरोमेटिक कीटोन है हमारे पास, ठीक है। तो उसके साथ अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो C6H5NH और सी डबल बॉन्ड सेम दैट एन एच प्लस एच टू बेंजल्ड इमीन, ठीक है, यहाँ पर एसिटल्ड इमीन बना तो बेंजल्ड इमीन की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है CH C6H5CHO, तो ये C6H5 and CHO ये क्या है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड, ठीक है स्टूडेंट, आप इसको रिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड के साथ, बेंजल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन होने पर एसिडिक मीडियम में, ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्शन होने पर मीडियम कैसा है हमारे पास, एसिडिक मीडियम में अमोनिया के साथ रिएक्शन होने पर बेंजल्डिमीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड है तो क्या फॉर्मेशन होगी, बेंजल्डिमीन की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से टॉपिक नंबर वन में हमने केमिकल रिएक्शन हम किसकी पढ़ रहे हैं, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। फर्स्ट हमने कवर किया कि मैंने सबसे पहले आपके पास इसका मैकेनिज्म नहीं बताया, हम डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन विद अमोनिया किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो इमीन की फॉर्मेशन करते हैं। आप इमीन बार बार, इमीन तो सेम हो रहा है, एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी एसिटल्डिमीन की फॉर्मेशन होगी, कीटोन के साथ रिएक्शन होगी तो एसिटोन इमीन की फॉर्मेशन होगी, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी तो बेंजल्डिमीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, रिएक्शन नंबर वन के लिए। अब हम रिएक्शन नंबर टू में जाते हैं। रिएक्शन नंबर टू में क्या है हमारे पास, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन हम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH होता है। आज हम सेकेंड स्टेप, सेकेंड रिएक्शन में इसको कवर करेंगे, ठीक है। अमोनिया या सॉरी अमोनिया के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो गए, ये हमारे पास क्या है HCHO, तो कौन सा एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, कौन सा एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, ठीक है। अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है
तो क्या किसकी फॉर्मेशन होगी? ऑक्सीम की फॉर्मेशन होगी, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, इसको हम ऑक्सीम पढ़ते हैं। इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। दोबारा से सुनेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये कौन सा एल्डिहाइड है? फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है? NH2OH। तो फॉर्मेल्डिहाइड जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, तो किसकी फॉर्मेशन करेगा? यहाँ पे हमारे पास क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? फॉर्मेल्डो ऑक्सीम की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, फॉर्मेल्डो ऑक्सीम, इसको हम ऑक्सीम पढ़ते हैं, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच ऑक्सीम, फॉर्मेल्डो ऑक्सीम की फॉर्मेशन होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, तो कहाँ से एलिमिनेट हो रहा है? देखिए स्टूडेंट, सेम वही कंडीशन है, यहाँ से H2 और यहाँ से O, H2O, HNH, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, HNH, C डबल बॉन्ड N, NOH, ठीक है। तो फॉर्मेल्डो ऑक्सीम रिएक्शन बहुत इजी है, केवल एक बार आपने समझना है कि किस तरीके से, बार बार वाटर निकल रहा है तो क्या जुड़ रहा है? नाइट्रोजन, उसके डेरिवेटिव्स किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड एन ओ एच की फॉर्मेशन होती है, जिसको कि हम फॉर्मेल्डो ऑक्सीम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये फॉर्मेल्डिहाइड था, ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड के साथ एसिटल्डिहाइड की, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, एसिटल्डिहाइड की किसके साथ? हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, ये क्या हाइड्रोक्सिल, ये अमाइन है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ एसिडिक मीडियम पे रिएक्शन होती है, तो क्या बनाएगा? यहाँ पे फॉर्मेल्डो था, यहाँ पे एसिटल्डो होगा, ठीक है, और बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन कराएगा तो बेंजल्डो हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ किसकी? एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन होने पर क्या बनेगा? एसिटल्डो ऑक्सीम की फॉर्मेशन हो गए, CH3NH, यहाँ से भी क्या होगा? H2 यहाँ से, O यहाँ से, देखिएगा O यहाँ से, O यहाँ से और H2 यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया और इस तरीके से हमारे पास एसिटल्डो ऑक्सीम की फॉर्मेशन हो जाती है। रिएक्शन नंबर 3, ये दो रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गए, अमोनिया के साथ रिएक्शन और किसके साथ? हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन। अमाइन के साथ रिएक्शन होने पर सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, अमाइन के साथ रिएक्शन होने पर ऑक्सीम की फॉर्मेशन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये ऑक्सीम होता है सी डबल बॉन्ड ओ एन ओ एच, कब होता है ऑक्सीम की फॉर्मेशन? जब हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन एल्डिहाइड्स के साथ होती है तो ऑक्सीम की फॉर्मेशन होती है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। अब हाइड्रोजीन क्या होता है, यहाँ पे मैंने पहले बॉक्स के अंदर लिखे हुए, तो हाइड्रोजीन क्या होता है? NH2 into NH2, इसको हम हाइड्रोजीन कहते हैं। तो किसके रिएक्शन? एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन, किसके साथ? हाइड्रोजीन के साथ। अब हमने यहाँ पर कीटोन की रिएक्शन, सॉरी एल्डिहाइड की रिएक्शन, HCHO, एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करानी है? एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करानी है? हाइड्रोजीन के साथ, NH2 into NH2, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है हाइड्रोजीन, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ होगी, तो किसकी फॉर्मेशन होगी? HNH, C डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H, HNH, C डबल बॉन्ड, N, N, NH2, ठीक है, बार बार आपके पास इसी तरीके से फॉर्मेशन हो रही, केवल आपने जानना है कि किस तरीके से आपके पास ये इमीन की फॉर्मेशन हो रही, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड NH, ठीक है, किस तरीके से आ रहा है? सी डबल बॉन्ड एन ओ एच आ गया, ठीक है, जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ हो रही, अब हाइड्रोजीन के साथ हो रही, सी डबल बॉन्ड एन तो सभी जगह है, तो इनटू NH2, तो हाइड्राजोन की फॉर्मेशन होती है, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके पास एग्जाम में जरूर आती है, और ऑक्सीन भी आपके पास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिएगा रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन हुई किसकी? एल्डिहाइड की, तो किसकी फॉर्मेशन होती है? हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन होती है, HNH, C डबल बॉन्ड, N, NH2, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास हाइड्रोजोन। एक बार दोबारा से सुनेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन की किसके साथ रिएक्शन होने पर?
एल्डिहाइड एंड कीटोन की अमोनिया के साथ रिएक्शन होने पर इमीन की फॉर्मेशन होती है। अब अलग अलग टाइप से आपके पास फॉर्मेशन होती है। एल्डिहाइड एंड कीटोन की हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन होने पर ऑक्सीन की फॉर्मेशन होती है। किसकी? ऑक्सीन ऑक्सीन ऑक्सीन, इस तरीके से पढ़ोगे ठीक है। फॉर्मेल्डो ऑक्सीन एसिटल्डो ऑक्सीन की फॉर्मेशन होती है। एल्डिहाइड एंड कीटोन की किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होने पर, हाइड्रोजन क्या होता है? NH2 into NH2 हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होने पर वो हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या कॉमन है इन तीनों रिएक्शन में? वाटर 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 एलिमिनेट हो रहा है। किस तरीके से आपने इनको जोड़ना है, ये ट्रिक आपने सीखनी है, ये मैकेनिज्म आपने सीखना है। बहुत ही ईजी रिएक्शन है। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा हाइड्रोजोन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीन क्या होता है, और आपके पास ये हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है। अमाइन के साथ हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन होने पर ऑक्सीम हो रहा है ठीक है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होने पर हाइड्रोजोन बन रहा है, और अमोनिया के साथ रिएक्शन होने पर इमीन की फॉर्मेशन होती है। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह आप चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।